समय सियाराम शरण गुप्त। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के महत्व को बताया है। कवि के अनुसार जब तक समय मनुष्य के हाथ में है उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं होता। वह लोगों को सचेत करते हुए बताते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, इसलिए जो कार्य भी तुम्हें करना है उसमें तुम मन लगा दो। किसी भी प्रकार का संदेह तक मन में मत रखो, विश्वास के साथ अपना कार्य पूरा करो। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या जो समय चला गया है वह वापस लौट कर आएगा? समय तो निरंतर चलता जा रहा है और इसके साथ ही जीवन भी व्यर्थ चला जा रहा है, अतः अभी भी समय शेष बचा है, तो तुम वीरों की भांति खड़े हो जाओ और समय रहते अपना सारा कार्य पूरा कर संसार में अपना कुछ नाम बनाओ। उद्योगी को कहां नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना हो करो अभी कल क्या हो जाने। कवि के अनुसार परिश्रमी व्यक्ति को कहीं भी अवसर मिल जाता है एवं समय नष्ट करके कोई व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता है। आलस ही वह कारण है जिसके कारण व्यक्ति तरह तरह के बहाने बनाता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उसे जो भी करना है उसे वह आज ही करे, कल पर ना टाले। ऐसा सुसमय मिला और कब तुम पाओगे, होकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। कवि के अनुसार हमें अत्यंत ही सुंदर समय मिला है, ऐसा सुंदर समय खोकर व्यक्ति सदैव ही पछतावा करता रहेगा, अतः इस उपयोगी समय में कुछ ऐसा कार्य क्यों नहीं करे जिसके द्वारा यह संसार भी सुखी रहे एवं हम भी सुख पाएं।